अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स की क्लास ले रहे हैं और आज हम वही चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमने शुरू किया हुआ है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। द नेम ऑफ द चैप्टर इज Presentation of data. Presentation of data एक बहुत ही अहम चैप्टर है, मतलब इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमेशा इस चैप्टर से सवाल आता है और ऐसा नहीं होता कभी भी कि इस चैप्टर से सवाल ना। ठीक है, अच्छा। इसी तरह हमने इस चैप्टर से सवाल किया और ज़रा मुझे कंफर्म कीजिएगा कि अभी तक हमने कितने सवाल इस चैप्टर से कर लिए हैं। ठीक है, और चैट में बता दीजिएगा चैट कितने सवाल अभी तक हमने टैलीज वाले किए। चार, ओके मनाए, थैंक यू। चार सवाल किए हैं, पांचवा सवाल से हम अपनी बात शुरू करें। पांचवे सवाल से हम अपनी बात जो है शुरू करेंगे। अच्छा, तो हेयर इज अ क्वेश्चन, ये बताइए ये वाला सवाल हमने किया या नहीं। इस वक्त आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक सवाल मौजूद है जिसके अंदर 30 मुख्तलिफ वैल्यूज दी हुई और हमसे ये कहा गया है कि ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेकिंग साइज ऑफ क्लास एंड वेल एज कंफर्म कर दिया। आपने ये वाला तो नहीं किया, हम ये शुरू करें। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जब बनाने को कहा जाता है तो उसमें तीन कॉलम होते हैं, एक क्लास इंटरवल, दूसरा टैलीज और तीसरा फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, ये कॉलम है क्लास इंटरवल, टैलीज बनानी होती है फ्रीक्वेंसी। थोड़ा सा डिफरेंस स्टाइल रखेंगे आज, थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, क्लास इंटरवल जब बनाने शुरू किए जाते हैं तो इसके बारे में मैंने ओके आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आपने ये करना होगा कि पूरे डेटा में आपने देखना होगा कि सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी। जब आप कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू देख लेंगे तो आपको कोई स्मॉलेस्ट वैल्यू नज़र आ जाएगी तो वहाँ से पहला क्लास इंटरवल शुरू करना होगा। और कब तक आप क्लास इंटरवल्स बनाएंगे? जब तक आप कोई लार्जेस्ट वैल्यू भी कवर ना। ठीक है, अच्छा। सो द क्लास क्वेश्चंस कर लिए हैं तो आप आगे कोई और क्वेश्चन करा देना, क्योंकि हमें आते हैं ना। अब इसमें इसके अंदर कुछ नई नई चीजें आएंगी। अभी ये तो भाई टोटल 6 तो चैप्टर है आपके, उसमें से एक चैप्टर ये, लेकिन अब रोजाना कोई छोटी मोटी नई चीज आपको कराई जाएगी और स्लोली ग्रेजुअली आपको अंदाजा होगा। अच्छा, हर सवाल में कुछ ना कुछ चेंज आएगा, जैसे अभी क्लास इंटरवल अभी 5 का करेंगे तो हम 10 का करेंगे, तो वी विल चेंज अ लिटिल बिट थिंग्स राइट ना। ठीक है, समझ में आ रही है? सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा गूंज रही है। अच्छा, गूंज रही है तो अब क्या करूं? ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी दूर से आवाज आ रही है। आवाज समझ में आ रहा है मैंने क्या बोल रहा हूँ? सर आई थिंक आई थिंक आपको अपना वो चेक स्पीकर पे कुछ हो गया होगा, वो बंद करते हैं। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये मैं बहुत बड़े रूम में अकेला बैठा हूँ, इसकी वजह से
आप लोग कोविड-19 की से घर में बैठे हैं, ऐसा एक मिनट मैं जरा खिड़की वड़की खोलता हूँ, फिर आवाज नहीं हो जाएगी, ठीक है? जस्ट वन मिनट। अच्छा, मैंने रिकॉर्डिंग पे लगा दिया। सबसे छोटी वैल्यू जो है हमारे पास वो है वन। अब हमें साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो कहा गया है वो कहा गया है 5। तो जो 5 साइज ऑफ क्लास इंटरवल किस तरीके से होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 से 5 हमें लेना होगा, 1 से 5 हो जाएगा, ठीक है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। 16 से शुरू करें, 16 से 20, 21 से 25, 26 से, बेटा आप चैट में लिख दें ताकि मुझे क्लियर समझ में आ जाए क्या कहना चाहते हैं, और 21 से 35। अच्छा, अब हमने क्या किया, देखें हमने किया कि क्लास इंटरवल बना लिया सबसे छोटी वैल्यू से लेकर सबसे बड़ी वैल्यू तक हमने कवर कर लिया। ठीक है, अच्छा सर, हमने वहां पे लिख दिया राइट हियर क्लास वैकेंसी को हटाकर। अब देखें राइट हियर मैंने यहाँ लिख दिया। देखो यार दिमाग खराब हो गया, गर्मी इतनी अभी क्या करें। अब सही नोट बाय ना। अब 1 से 5 तक देखना है तो बढ़िया, हम जल्दी जल्दी करेंगे सवाल क्योंकि हमें कुछ नया करना है, ठीक है ना? अब देख पहले में 1 से 5 में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 2 नंबर आ रहे हैं 1 से 5 तक, ठीक है ना? 1 से 5 तक ये 5 आ गया, ठीक है ना? ये भी 5 आ गया, और ये 4 आपने लिख दिया, ठीक है? अब 6 से 10 तक देखना होगा, 6 to 10, 6 to 10 ये 2 नंबर हो गए, कलर चेंज कर दो, राइट कलर देना होगा। अच्छा, 2 ये हो गए और 6 to 10, 1, 2, 3, 4, 6 to 10, 1, 2, और कोई नंबर है 6 to 10? नहीं, तो 2 plus 4, 6 plus 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8। अच्छा जी, अब कौन सा है? अब देखिए मैंने लास्ट टाइम से क्रॉस में आपको लगवाया था, 5वें नंबर पे मैंने टैलीज में आपको क्रॉस में लगवाया था, आपके में बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन जब आप एग्जाम में करते हैं तो वो क्रॉस लगाना बेहतर होता है ताकि 5 आप वाजे तौर पर पढ़ सकते हैं। अब अगर आप इसको पढ़ेंगे कि ये 8 लिखा हुआ है या 12, 15 जब होगा तो आपको बहुत तवज्जो से पढ़ना पड़ेगा, समझ में आ रही ना आपके पास? अब 11 से देखते हैं, 11 से 15 जो नंबर है हमारे पास, 2, 3, तो 11 से 15 में हमारे पास आ गए 3 नंबर, तो कैरीज में जो है 1, 2, 3 16 से 20, 1, 2, 3, 4, 4, 16 से 20, 16 से 20, 2 नंबर भी आ गए, 16 से 20 हो गए 2 और 4, 6 नंबर, ठीक है ना? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आ गया 6। 21 से 25 तक 1, 2, 3,
चार पांच, एक दो तीन चार पांच, चार या पांच, 26 से 30 तक, वन टू, दो नंबर 26 से 30 तक आ गए, टू नंबर्स, एक नंबर आपके दो नंबर आ गए उसमें, ठीक है, टू टू टू, एंड द टोटल इज 30. दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड द क्वेश्चन. बहुत ही हमने जल्दी ये सवाल किया आपके सामने. आप इससे भी ज़्यादा जल्दी आप कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ज़ाहिर है आप जब ये सवाल सॉल्व करेंगे तो आपने पेन रजिस्टर होगा, आपने किसी को बोलना नहीं होगा, किसी को समझाना नहीं होगा. तो व्हाट आई बिलीव कि आप ये सवाल 5 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हैं. अच्छा, मेरी आवाज़ में इको के बारे में मुझे बता दीजिएगा, कितना इको आ रहा है मेरी आवाज़ में. एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरह आता है एंड वी विल हैव एग्जाम्स क्वेश्चंस एज वेल. अच्छा, उसके लिए मैं चाहूँगा यकीनन आप में से कुछ बच्चों ने यकीनन वो ले ली होगी, अल्लाह भला करे, फाइबर वगैरह लिए किसी ने, थोड़ा मुझे बताइएगा. जस्ट राइट इट डाउन इन योर कॉपी. If you have done it, then write done in your chat so that we will start the next question. Are you listening? अच्छा, सब अपने नाम से आएंगे तो उनको ऐड किया जाएगा. अगर कोई अपना नाम चेक कर लेकर पार्टिसिपेंट्स का, जैसे अभी क्यों मोबाइल नॉयर A1 लाइट लिखा हुआ आ रहा है, पूरा शिजरा बता रहा है अपने मोबाइल का. तो इसको इट वुड बी बेटर के आप अपना नाम रीनेम करेंगे. रीनेम का ऑप्शन है, just go and rename it, right? Okay. Habiba Khan, Habiba Naseem. We have two Habiba we have. Okay. Change the key up. Good. Have you done it? How many people have done it? Only Manahil is replying. What is this? Walaikum Assalam. Beta, reply everyone. Then we will start next question. वालेकुम अस्सलाम हबीबा, वेरी गुड. माहम ने रिप्लाई किया, सुनैरा ने रिप्लाई किया, हबीबा ने भी रिप्लाई कर दिया है, बाकी भी रिप्लाई करें. वी विल स्टार्ट अप योर क्वेश्चन एंड वी विल हैव समथिंग डिफरेंट, राइट? आवाज आ रही है ना मेरी? अब हम ये वाला सवाल देखें. अब ये वाला सवाल में थोड़ा सा डिफरेंस आया. अभी तक मैंने जितने भी आपको क्लास जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं वो सारे के सारे जो थे उनमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे लार्जेस्ट वैल्यू आप थे जितना से लिख रहे थे आपने. अब ये है कि टॉपिक को जरा सर इस टॉपिक को जरा पेपर के लिहाज से बता दें. हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि अभी ये पेपर के लिहाज से जो है भाई ऐसे ही सवाल आता है, ऐसे ही नंबर होते हैं, ऐसे ही सवाल लिखा हुआ है और थोड़ा कोई डिफरेंट थोड़ी होगा. अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ सर लॉन्ग में आता है. हाँ, लॉन्ग में आता है, शॉर्ट दोनों में आता है. एक शॉर्ट में आएगा, एक लॉन्ग में आएगा.
एक लंबा सा सवाल देंगे शॉर्ट में, लॉन्ग में, और एक छोटा सा सवाल देंगे लॉन्ग शॉर्ट में. इस दो सवाल आएंगे, एक लॉन्ग आएगा और एक शॉर्ट आएगा. लेकिन और ये दोनों में हर साल आता है, ऐसा नहीं कि एक साल आया और एक साल नहीं आया, ऐसा कुछ भी नहीं है. मतलब तकरीबन हर साल ही ये सवाल आता है. अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ, देखें अब ये वाला सवाल मैं करवा रहा हूँ. अगला जो सवाल हम करेंगे दैट विल बी फ्रॉम पास्ट पेपर्स, ठीक है ना. अगला जो हम सवाल करेंगे मैं आपको पास्ट पेपर शो करूंगा, वही सवाल हम अभी सॉल्व करेंगे. गेटिंग हाइज, मेरी बात समझ में आई? अब जी सर, ये तो बोलो ना यार, क्या है. अच्छा अब सुने, तो पहले ये सवाल हम करते हैं, उसके बाद. अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास पास पेपर होने चाहिए. अगर किसी ने खरीद लिए तो मैंने कहा था मुझे रिप्लाई करें, अगर किसी ने नहीं खरीदे वो नो सर भी रिप्लाई कर दे. अच्छा तो मैं चाहूंगा स्पेशली बॉयज से, कि वो तो बाहर निकलते फिरते भी हैं, तो आप लोग ऐसा करें कि खरीद लें, ठीक है ना. 50-100 रुपये की मिलेगी, क्योंकि अकाउंटिंग और इसके अंदर तो आपको पता है कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है. जैसा कि आप जानते हैं, अब थोड़ा सा डिफरेंट होगा, देखें अभी आपको अंदाजा होगा. स्टैट्स में कोई हमारा बहुत लेंदी नहीं है, लेकिन हमने क्या करना है, जो भी हम सवाल करेंगे, जो भी हम सवाल करेंगे वो हमें ऐसे करना है बिल्कुल कमाल की मंजिल पर जाकर हमें हर सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है ना. हर सवाल को जिसको भी हम सॉल्व करेंगे अच्छे तरीके से हम उसको सॉल्व करें. अब देखें ये सवाल, इसमें सबसे पहली बात क्या है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन टेकिंग साइज ऑफ क्लास इंटरवल एज 25. इसमें क्या कहा गया कि जो क्लास इंटरवल का साइज होगा वो क्या होगा, वो 25 होगा. नंबर वन. नंबर टू, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू और लार्जेस्ट वैल्यू मैंने इसमें पहले ही लिखी हुई है, तो आपको थोड़ा आसानी हो जाती है. सर ठीक है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू हमारे पास 10 और लार्जेस्ट वैल्यू है हमारे पास 136. अब मेरा आपसे सवाल ये है कि चलें जी 10 से, आज जैसा कि आप जानते हैं 10 से जो है वो स्टार्ट होगा पहला क्लास इंटरवल. 25 इसका साइज अगर होगा तो 10 के आगे मैं क्या वैल्यू लिखूं, जरा मुझे बता दीजिए. जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल जो है वो 10 से जरा गिनना शुरू करें. इसका तरीका क्या होता है, इक्वल 10 + 25 - 1 = 34. तो इसमें 10 के आगे आएगा 34, क्योंकि जब साइज ऑफ क्लास इंटरवल अगर आपको बड़ा दिया हुआ, जैसे आप 5 का जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल था हमने 10 गिनता उंगलियों में गिना 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 लिख देते हैं अगर 5 का तो. अब आगे 25 का, हम 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा नहीं करेंगे. जितने का वो साइज कहेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू में, ठीक है ना. आप देखिए इसमें मैंने क्या किया, जितने का वो साइज कहेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू में वो साइज ऐड करेंगे और माइनस करेंगे 1, ठीक है ना. ये इसका फॉर्मूला है यहाँ वाली वैल्यू का, ठीक है ना. तो 10 और हमने ये पूरा फॉर्मूला अप्लाई किया तो क्या आ गया, 10 और 34 आ गया, ठीक है. अच्छा दूसरा 34 के बाद क्या आएगा, 35 से शुरू करेंगे, 35 + 25 - 1. इस स्मॉलेस्ट वैल्यू में फिर 25 किया, फिर हमने माइनस 1 कर दिया, अब क्या आ गया 59. तो 35 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, 59. आई होप कि आपके बात समझ में आ रही है. अगर अभी नहीं आई है समझ में तो पहले आप मुझे सारे बनाने दीजिए, फिर आप उससे सवाल कर लीजिएगा अपना माइक खोल कर.
अब देखें 59 आ गया, 59 के बाद क्या होता है 60, ठीक है ना। अब 60, अब इक्वल टू 60 प्लस 25 माइनस 1, 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 के बाद 85 आएगा। सर माइनस 1 क्यों कर रहे हैं? माइनस 1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने साइज कहा है 25 का। माइनस 1 इसलिए क्यों कर रहे हैं क्योंकि ये खुद ये इस जो पहला नंबर है हम इसके अंदर प्लस कर रहे हैं ना, तो इस नंबर को ऐड करना होता है इसलिए माइनस 1 करते हैं। मिसाल के तौर पर अब क्लास इंटरवल का मकसद क्या है? क्लास इंटरवल का मकसद है अगर उसमें ये कहा है 25 तो एक क्लास जो है वो 25 नंबर ही कवर करे, ये जरूर। अब आप देखिए 10 से लेकर 34 तक अगर आप गिने तो ये 25 नंबर हो जाएंगे। देखें 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30, 31, 32, 33 and 34. तो देखें 25 नंबर कहाँ हुआ, 10 से शुरू किया 34 पर। तो 10 क्योंकि माइनस में इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने 10 में प्लस किया। एक और तरीका है थोड़ा और इसको सिंपल करना, जैसे 85 है ना, इक्वल टू 85 प्लस 24, तो यहाँ क्या आ जाएगा 109 आ जाएगा। यानी कि वो जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल वो जो आपको कहने का कह रखने का कह रहा है उसमें से एक माइनस वन करके आप डायरेक्ट ऐड करते हैं 109 हो गया ना। देखें 109, अब मैं इसको एक यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ, एक 109 के बाद मैं यार 110, क्योंकि मैंने यहाँ ऐड किया इसलिए मुझे वहां जब मैं करूंगा तो माइनस करना पड़ेगा। इक्वल टू 110 प्लस 24, 134 हो गया। 135 से शुरू करेंगे, 135 प्लस 159। This is how we make class interval. जो भी क्लास दो है या तो जो साइज का आ गया वही एड करके माइनस वन करते हैं इस तरह, या अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो जो वो साइज का है उसमें से पहले खुद ध्यान में माइनस वन करते हैं और फिर इस तरह करें जिस तरह इस वाले में किया 134 में देखा डायरेक्ट हमने 25 तो उसने कहा 24, वो 50 का कहेगा हम फिर 49 करेंगे, वो 100 का कहेगा हम 99 करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आ गई बारी टैलीज। टैलीज के सवाल जितने ज़्यादा करेंगे आप आपका फोकस उतना स्ट्रांग होगा। अच्छा हर साल ही होता है, हर साल क्योंकि जाहिर है मैं 15 साल हो गए मुझे स्टैट्स पढ़ाते, हर साल ये होता है बच्चों को ना बोर लगता है यार क्या सर बार बार टैलीज। मैं खुद भी जाहिर है मैंने खुद इंटर कॉमर्स किया है और व्हेन आई वाज इन इंटरमीडिएट और सर जब भी कराते थे ना मुझे बहुत ही जहर लगता था बार 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 बार, लेकिन उनकी बात मेरे जहन में क्लिक कब की, जब मेरे 49 आउट ऑफ 50 मार्क्स मेरे आए के अंदर मुझे ये बात क्लिक करके नहीं यार वाकई सर की मेहनत रंग लाई और बड़े ज़बरदस्त नंबर आए। अब 10 से 34 तक पहला जो क्लास इंटरवल है हमारा वो है 10 से 34 तक। अब देखेंगे पूरी रॉ जाएगी 10 से 34 में, ठीक है। टेन से 34 में ये भी आएंगे नंबर यहाँ पे, बहुत नंबर नहीं होगा 10 से 34 में, नहीं कितने नंबर होंगे जी 8 और 8 16 और 1 17 ऐसा ही है।
अब टैलीज, टैलीज में जो क्रॉस करते हैं ना उसकी वजह ये होती है कि आप इजीली आप उसको गिन सकते हैं। अब जो 17,000 देखिए आप इस तरह अगर आप लिखते हैं 17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कोई बात नहीं लिख दिया। अब अगर कोई आपसे कहे भाई जरा इसको पढ़ के बताना ये कितने, तो गिनने में बहुत टाइम लगेगा। 17, अब 35 से 59, में ये सारे आएंगे। और ये भी है, ठीक है 9 हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60 से 84 तक, 60 से 84 तक 1, 2, 3। सर ये 10 है, 9 नहीं है। क्या क्या 10 है? अच्छा ये क्या नहीं है क्या सर? एक, हाँ दो, ये सेकंड वाला। 5, 6, 7, 8, 9, 9 और 1, 10। अच्छा तो फिर वो भी मैंने तो गलत गिना हुआ है। नहीं नहीं सर वो सही है, 17 सही है। सर मेरा एक सवाल था कि आप उस तरह से क्यों नहीं करवा रहे, मतलब 5 जो आप कट करते हो बाद में, मुझे काउंटिंग। दोनों 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 ऑप्शन ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि इसके दो तरीके हैं। पहले मैंने वो तरीका करा दिया, आज मैं ऐसे करा रहा हूँ आपको। आपको जो सही लगे आप उस तरह से कर सकते हैं, यू हैव दिस ऑप्शन। तो मैं ये बताना ही चाह रहा हूँ कि देखें दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा अब 60 से लेके 84 तक कितना आ गया? 3 आ गया। 1, 2, 3, 85 से 109 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। एक दो तीन चार पाँच छ सिक्स 110 से लेकर 134 तक 8 हो गए, ठीक है जी। टोटल भी हमारा 45 गया। तो दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो डन लिख दें, तो सो दैट वी विल मूव ऑन। आप ये एग्जाम में कर सकते हैं क्या ऐसे एग्जाम में क्या कर सकते हैं समझ में आए? बोलो बोलो हालात खराब हो गए कराची, एम्बुलेंस की आवाज है। वेरी गुड हाइट फाइन।
ओके अच्छा जी, अगला जो हम कल सवाल करेंगे वो फाइव है। अभी मैं आपको बताता हूँ अभी आपको क्या करना है थोड़ा सा। सर कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 5 नंबर का बेटा, 5 नंबर। लेकिन पूरा पेपर कितने का? 50 नंबर का। तो अगर इस हिसाब से देखें तो दिस इज 20, दिस इज 10% ऑफ द पेपर। दिस क्वेश्चन इज 10% ऑफ द पेपर। व्हाई? बिकॉज इट कैरीज 5 मार्क्स। गेट इट? ओके चलो हम नया सवाल करेंगे इंशाल्लाह अगली क्लास में। कल हम फाइवर के सवाल करेंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।